हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप लोग सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे और क्वारंटाइन की पाबंदी कर रहे होंगे। दोस्तों वैसे तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में हमेशा किसी न किसी बात पे कोई ना कोई नाराजगी चलती रहती है, मगर कभी कभी ऐसे भी मौके आते हैं, ऐसे भी कुछ दिन आते हैं कि जिसमें दोनों तरफ के लोगों के जज्बात एक जैसे हो जाते हैं। और आज का दिन भी ऐसा ही कुछ है कि हिंदुस्तान से लेके पाकिस्तान तक सबके जज्बात एक ही जैसे हैं और सबको इस बात का दिली अफसोस है कि उन सबका फेवरेट एक्टर इरफान खान इस दुनिया से चला गया। कैंसर की जंग लड़ते हुए इरफान खान हार गए और आज हम में नहीं है वो। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अभी हम कुछ बात करेंगे इरफान खान के ऊपर और आज ये छोटी सी वीडियो है और जाहिर है एज फैंस हम सभी इरफान खान को बहुत पसंद करते थे और उनकी तकरीबन तमाम मूवीज भी हमने देखी। लेकिन इरफान खान का एक और रुख था जो एक्टर बनने से पहले उनकी लाइफ का एक छोटा सा पार्ट था जिसमें वो क्रिकेटर हुआ करते थे। तो जाहिर है एज क्रिकेट फैंस भी हमारा बनता है कि हम इरफान खान को आज याद करें और उनकी थोड़ी सी बात करें और अपने जज्बात आप लोगों के साथ शेयर करें। मेरे साथ मेरे दोनों दोस्त एहतिशाम और इफी भाई। इफी भाई कैसे हैं आप? सागर भाई सब खैरियत है, ठीक ठाक। यार बड़ा अफसोस का दिन था आज। अंदाजा नहीं था कि यार इतनी जल्दी इरफान खान जो है वो हार जाएंगे कैंसर से। हालांकि 2018 में रिकवर कर गए थे वो, लेकिन उसके बाद से फिर उनकी कुछ ज़्यादा खबरें आई नहीं थी मीडिया पे कि वो उनकी कैसी कंडीशन है, क्या हालात हैं उनके। और आज ये खबर हम सबको मिली और हमारे वो दोस्त जो हमें पाकिस्तान से बाहर बैठ के देख रहे हैं वो, उनको मैं ये बता दूं कि आज पाकिस्तान में भी ट्विटर पे जो ट्रेंड सबसे ज़्यादा था वो इरफान खान का ही था। फेसबुक हो, ट्विटर हो, व्हाट्सएप हो, हर आदमी ने जो है वो इरफान खान को याद किया, इरफान खान की डीपीज लगाई, इरफान खान की ऑबिचरी शेयर किया, उनके कोट्स अपनी फेसबुक और ट्विटर की वॉल्स पे शेयर किए। तो आज दोनों तरफ एक जैसा ही गम है। फिर भाई क्रिकेटर थे इरफान खान एक्टर बनने से पहले? जी हाँ साकिब भाई, आज मेरे जैसे एक्टर, छोटे एक्टर के लिए आज बड़ा गमजदा दिन रहा जब मुझे इस खबर मुझ तक पहुंची है। यकीन करें थोड़ी देर के लिए मैं बैठ गया और मैंने सोचा कि यार अब मेरे लिए रहनुमाई कहाँ से आएगी, क्योंकि मैं हमेशा, मैं आपको बताऊं क्योंकि जो मैं काम करता हूँ, जो मुझे काम मिलता है वो मैं कहीं ना कहीं जाकर इरफान खान टाइप की चीज़ें करने की कोशिश करता रहा हूँ हमेशा से। और मैं बड़ा इंस्पायर रहा, बड़ा एडमायर किया मैंने उनको, उनकी एक्टिंग को खासतौर पर। और ये सच बात है कि मैं पहले नहीं जानता था कि इरफान खान एक क्रिकेटर बनना चाहते थे। जब मैंने आज थोड़ा सा उनके बारे में मालूमात ली तो मुझे ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि वो अंडर 23 में जब वो सीके नायडू टूर्नामेंट में जयपुर के लिए सिलेक्ट हुए तो उनके पास पैसे नहीं थे, 600 रुपए दरकार थे उनको उस वक्त, और वो 600 रुपए उनके पास नहीं थे तो उन्होंने क्रिकेट ये सोच के छोड़ दी कि यार ये मेरे बस का काम नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने 300 रुपए महाना पर एक ड्रामा स्कूल ज्वाइन कर लिया जयपुर में और फिर वो वहीं से एक्टिंग करियर उनका स्टार्ट हो गया। और वो हमेशा रिग्रेट करते थे कि यार मैं हमेशा क्रिकेटर बनना चाहता था, और वो कहीं जहाँ उनको मौका मिलता था इरफान खान को वो क्रिकेट मैच जरूर देखने जाते थे और वो कई उनके वीडियो क्लिप्स, कई फोटोज उनकी शेयर हो चुकी हैं मीडिया पे इस वक्त, क्योंकि जब कोई हम में से जुदा होता है तो हम उसकी चीज़ें तलाश करते हैं, उसकी बची कुची चीज़ें ढूंढते हैं कि उसने क्या क्या अपनी अर्ली लाइफ में, अपनी मिडिल लाइफ में, अपनी लास्ट लाइफ में। इरफान खान के लिए यार मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जो क्रिकेटर जैसे कोहली है, तेंदुलकर है, धोनी है, ये मुझ तक या मेरे घर तक कैसे पहुंचे, ये मेरे घर के किचन तक कैसे पहुंचे, ये ऐसे पहुंचे कि इन्होंने कुछ किया दुनिया के लिए। इसी तरह इन्हीं में एक इरफान खान भी था, मेरी वाइफ की डीपी, मेरे बहन ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा, उससे अपनी डीपी लगाई भी है, मेरे छोटे भाई ने
मेरी फैमिली के कई लोगों ने मुझे कहा कि यार आज इरफान खान चला गया, मुझसे कहा उन्होंने, क्योंकि उनको पता था कि मैं हमेशा से उसको फॉलो करता था एज एन एक्टर, हमेशा उसको फॉलो किया मैंने, तो मेरे लिए बड़ा गद्दा था दिन रहा, मैं आपको सच बात बताऊं। और इरफान खान का थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं इसके अंदर, खास बात जो थी 2012 में जब उनसे पूछा गया कोलकाता का अखबार है टेलीग्राफ, उसमें इंटरव्यू करने वाले ने उनसे पूछा कि भाई आपने क्रिकेट क्यों छोड़ दी जबकि आप अंडर 23 तक सिलेक्ट हो चुके थे सीके नायडू टूर्नामेंट में, तो उसने कहा यार मेरे पास पैसे नहीं थे। और फिर ये कि आज मुझे एहसास होता है कि क्रिकेटर तो कहीं ना कहीं जाके रिटायर हो ही जाता है, एक्टर कभी रिटायर नहीं होता, एक्टर हमेशा उसकी इनिंग चलती रहती है और उसकी सिलेक्शन का भी मसला नहीं होता, उसकी फिटनेस का भी इशू नहीं होता, मगर आखिरकार अनफिट होकर इरफान खान हमसे जुदा हो गया। और मेरे लिए मैं आप सच बात बताऊं बहुत ही कोई खामखा दिन रहा और बड़ा बोझल बोझल सा रहा। जी शाम क्या हाल है आपके? ठीक ठाक साकिब भाई, आज अभी जैसे इरफान खान साहब पे बात हो रही है तो बड़ा अफसोस हुआ, उनकी बहुत सारी मूवीज मैंने भी देखी और एक वो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बहुत, वो भी हमारी क्रिकेट लैंग्वेज में तो बहुत अच्छे डायनामिक प्लेयर थे, वो उनकी एक्टिंग के तो लाजवाब ही थी कि एक्टिंग की क्या बात थी उनकी, और वो बस उनका एक अपना स्टाइल होता था, बहुत सी अच्छी फिल्में की जिसमें पान सिंह थोमर हो गई और अपना हिंदी मीडियम हो गई, और फिर एक हमारे पाकिस्तानी एक्टर्स के साथ उन्होंने मूवी की है माइटी हार्ट और एंजेलिना जूली वगैरह के साथ, वो देखी हमने, मतलब वो उनकी एक्टिंग तो क्या बात थी। और आज जैसे अभी एफी भाई ने कहा कि ट्विटर भी बहुत सारे बड़े बड़े क्रिकेट स्टार्स और हमारे पाकिस्तान के ड्रामा और फिल्म स्टार्स उनसे भरा हुआ है, उनके लिए इरफान खान के लिए दुआ कर रहे हैं, वो तो उस मतलब आज भरा हुआ है हर जगह से, हम यही सिर्फ इरफान खान ही पता चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है ये, फिर जो कुछ मेरे ग्रुप्स हैं उसमें भी लोग शेयर कर रहे हैं इरफान खान साहब के लिए, और आज ही मुझे भी आज ही पता चला कि वो क्रिकेट के शौकीन थे, क्रिकेट का था, तो फिर जब ये मैंने देखा तो मुझे थोड़ा मेमोरी रिकॉल हुई, उनको मैंने मेरे ख्याल में 3-4 साल पहले जो है इंडिया का टेस्ट था इंग्लैंड के साथ लॉर्ड्स में, उनको मैंने वहां देखा, तो शुरू में तो जारी बात है इतना क्राउड होता है तो नहीं इतना पहचान पाया, फिर एक टाइम पे काफी स्टैंड में शोर सा मच रहा था, तो मैंने किसी से पूछा, मैंने कहा कि खैरियत कोई बड़ा पर्सनालिटी आई हुई है, तो उसने बताया कि इरफान खान आए हुए हैं, कोशिश की मैंने मिलने की क्योंकि मुझे बहुत पसंद है इरफान खान, बहुत पसंद थे, बस तो मिल नहीं पाया, फिर हमारे एक पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं अदनान सिद्दीकी, दोस्त हैं मेरे बहुत अच्छे, तो उनसे मैंने पूछा आपका उनके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा माइटी हार्ट में, तो कह रहे हैं यार क्या डायनेमिक पर्सन है यार, बड़ा मजा आया उनके साथ, बड़ा अच्छा टाइम गुजरा, 1.5 महीना उनका मेरे ख्याल में टाइम गुजरा था उनके साथ, तो बहुत कह रहे हैं बड़ा उनसे सीखने को मिला, उनसे जो बातें वगैरह होती थी बहुत जबरदस्त मजा आया, तो एक समझे एक और ग्रेट जो है हमसे चले गए दूर, अल्लाह ताला उनको बड़ा रुतबा अता फरमाए जन्नत फिरदौस में, यही और दुआ ही कर सकते हैं हम उनके लिए सिर्फ यही है। कि भाई आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं? जी साकिब भाई, जैसे अभी एहतिशाम ने बताया 2018 में मैंने एक सीरियल किया बिग बैंग का चीख, जो काफी हिट सीरियल रहा, आज भी उसके बारे में काफी फीडबैक आता रहता है, तो उसकी जो हीरोइन थी सबा कमर, हिंदी मीडियम की लीड करेक्टर वही है इरफान खान के साथ उन्होंने काम किया, तो सेट पे मुझे याद है जब मेरी सबा कमर से मुलाकात होती थी तो वो हिंदी मीडियम का अक्सर डिस्कशन वहाँ होता था, क्योंकि एक हिट फिल्म है, $3.43 million उसको सबसे रिच फिल्म है इरफान खान की कहा जाता है हिंदी मीडियम की, सबसे ज्यादा देखी गई है पूरी दुनिया में वर्ल्ड बॉक्स ऑफिस में, तो वो हमेशा से इरफान के करेक्टर को जिस तरह से डिफाइन करती थी, और मैं सिर्फ सुनता रह जाता था कि वो किस तरह से डिलीवर करता है, किस तरह से अपने आप को एडजस्ट करता है किसी भी करेक्टर के लिए, कितनी मेहनत करता है। अच्छा आज थोड़ा सा मुझे ये भी जानकर बड़ी हैरत हुई कि इरफान खान ने अपने नाम को 2012 में चेंज किया, एक आर उन्होंने बढ़ा दिया, तो उनकी वाइफ है सतीश सिकदर उनका नाम है, उन्होंने बताया कि इरफान से मैंने कहा कि भाई तुमने अपने नाम में एक आर बढ़ा लिया, इसकी वजह क्या है, तो उसने कहा कि यार मुझे करते हैं ना, तो वो उसकी कंटिन्यूटी आर की कंटिन्यूटी सुनकर मुझे बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए मैं अपने नाम के साथ आज आर बढ़ा रहा हूँ।
गूगल ने भी फिर उसको एडजस्ट किया 2013 में, तो एक आर उसमें ऐड कर लिया। तो इरफान साहब के साथ जुड़ी और भी बहुत सारी यादें, लाइफ इन अ मेट्रो, स्लम डॉग मिलियनेयर, जुरासिक वर्ल्ड, सलाम बॉम्बे, मतलब मैं बहुत सारी मूवीज ऐसी हैं, मुझे तो डायलॉग्स तक उनके याद हैं, मैं आपको सच बात बताऊं। मगर अभी क्योंकि वो वक्त नहीं है कि मैं यहाँ बैठकर अभी वो सारी चीजें याद करूं। अब से 3-4 दिन पहले मैंने उनकी एक तस्वीर, जो हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं कमर अहमद साहब, उन्होंने अपने पेज पे शेयर करी हुई थी 2-3 तस्वीरें उनकी, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मेरा इरादा था उनसे पूछने का कि भाई इरफान खान की तस्वीरें आप क्यों शेयर कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में शायद आज वो उनसे मेरी बात होनी थी, इत्तेफाक से नहीं हो पाई। तो इरादा मेरा ये था कि इनसे कुछ और आर्काइव में उठा लूंगा, क्योंकि इरफान खान से उनकी मुलाकात भी रही थी और कुछ तस्वीरें उन्होंने सवाल से शेयर भी करी थी। बस ये कि जो अच्छे लोग होते हैं, नेक लोग होते हैं, वो बॉर्डर के इस तरफ हों या बॉर्डर के उस तरफ हों, उनकी पजीराई उसी तरह की जाती है जैसे आम जिंदगी में आपने आप जानने वालों के लिए करते हैं। आप ये भी कैद रखते हैं उसके अंदर के यार ये वहां गए और हम यहाँ गए, क्योंकि जो चीज इरफान खान ने पेश करी दुनिया के लिए वो सबके लिए थी, वो किसी खास तबके के लिए, खास गिरोह के लिए, खास मुल्क के लिए नहीं थी, वो सबका एक्टर था, वो सबको सभी उसको पसंद करते थे। आज वो हमें दरमियान नहीं है, मगर उसकी यादें हमारे साथ हैं और बहुत सारी चीजें हैं। साकिब भाई आपका खुद का नाम भी तो, आपका खुद का नाम भी तो इरफान है ना, निकनेम तो आपका इरफान ही है। जी मेरा नाम, मैं मुझे मेरी वालदा मुझे इरफान कहती है, वालिद मेरे इरफान कहते हैं, इफ्फी मुझे मेरी बड़ी बहन कहती थी, वो नाम इफ्फी पड़ गया जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं। सही, ठीक है, चलें अभी चलते हैं। इरफान खान एक ऐसा इंसान था कि जिसके बारे में जितना पढ़ लो और उसके बाद उसका जितना जिक्र कर लो कम है। हम यार यहाँ बैठ के हम लोग सच में बड़ा एक लॉस्ट फील कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मैं अपनी कोई यहाँ की कोई खातून थी एक पाकिस्तानी, उनकी मैं ट्वीट देख रहा था, तो उन्होंने यही ट्वीट की हुई थी कि इरफान खान के जाने से ऐसा लग रहा है कोई पर्सनल लॉस हो गया है। तो ऐसा ही है, ऐसा ही है, कोई पर्सनल लॉस जैसा लग रहा है। तो इफी भाई मेरा ख्याल से खत्म करते हैं। हाँ बोले, मैं यही कह रहा हूँ कि जब मेरी शाम में आज नजर पड़ी है ट्विटर और फेसबुक पे, मैं यकीन करें देख ही नहीं रहा था, मैं जब से मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज मिला है स्क्रीनशॉट, मैंने ट्विटर और सोशल मीडिया देखा ही नहीं, डर के मारे इन देखा कि यार पता नहीं क्या क्या देखना पड़ जाएगा दोबारा से, यकीन ही नहीं आएगा कि ये सब कुछ हो चुका है। यार मैंने हैरत हुई यार कि पाकिस्तान में ऐसा लग रहा है पाकिस्तान का लॉस हुआ है, जैसे भाई मैं तरह से इरफान के छुपे हुए लोग निकले, उसको परिसार निकले, मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने बोला यार ऐसा भी हो सकता है कि यार आदमी आपके दिल में रहता हो और आपको पता ना हो। आप यकीन करें दोपहर में जब मैं सोकर उठाऊं जोहर के टाइम पर, तो नमाज के बाद मैं बैठा हुआ ऐसी वो देख रहा था, ट्विटर देख रहा था, तो उसपे एक हमारे यहाँ के लोकल टीवी चैनल की एक वो आई हुई थी एक खबर इरफान खान की डेथ के हवाले से। तो मैंने कहा यार ये तो ऐसे ही उड़ा रहे होंगे, ये पता नहीं कोई रूमर वूमर फैला दिया उन्होंने, छोड़ो दफा करो ये गलत फेक न्यूज है। मैंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया और मैं फिर उसके बाद सो गया दोबारा। अब जब शाम में उठा और फिर जब मैंने खोला है ट्विटर और फेसबुक तो भरा पड़ा था सब कुछ। मैंने कहा यार सही न्यूज थी वो यार, अफसोस। खैर अभी चलते हैं, अभी आप लोग अपना ख्याल रखें दोस्तों, और हम यही कहेंगे अफसोस है, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अभी चलते हैं, फिर मिलेंगे आपसे दोबारा। अल्लाह हाफिज़।